दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखोगे यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोला है कि द लास्ट डिजिट ऑफ यहाँ दे दिया हुआ है 1001 और पावर दे दिया हुआ है 2008 एंड देन प्लस 1002 दे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि लास्ट डिजिट, ठीक है। तो देखोगे यहाँ देख लो आप लास्ट डिजिट क्या है, यानी इस साइड से देखोगे, अपने राइट साइड से देखोगे तो पहला डिजिट देखोगे और इधर नंबर की तरफ से देखोगे तो लास्ट डिजिट ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ है आपका वन, वन का पावर कुछ भी हो तो इसका लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, वन ही होगा। और इसका लास्ट डिजिट क्या है, टू है, ठीक है ना। तो अब ये बीच में प्लस है तो हम क्या करेंगे, वन प्लस टू कितना होगा, थ्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा थ्री होगा। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू को देखोगे यहाँ दिया हुआ है इफ ए स्टार बी का वैल्यू दे दिया हुआ है ए का पावर बी, देन आपसे पूछ रहा है कि फाइव स्टार थ्री का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्टार बी का मतलब क्या है कि ए का पावर बी, यानी फर्स्ट वाला जो है ना वेरिएबल, यहाँ फर्स्ट यहाँ ए है और जो सेकेंड वेरिएबल था वो इसके पावर पर हो गया है। तो हम यहाँ भी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो फाइव को यहाँ लिखेंगे और पावर में हम थ्री को लिख देंगे। फाइव का पावर थ्री ये कितना हो जाएगा, यानी फाइव को तीन बार इंटू करना, फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, यानी हो जाएगा फिर 125। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर 125। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ दिया हुआ है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1500 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1500 में क्या ऐड करेंगे कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16। तो ये 16 को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे 4 का स्क्वायर करके दिखाया, बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा अब देखोगे। तो ये देखोगे यहाँ दिया हुआ है क्या है, 1500 दिया हुआ है। तो आपको ये पता करना होगा कि इसके आगे नेक्स्ट जो होगा वो स्क्वायर नंबर कौन सा होगा। तो अगर हम 39 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 1521, ठीक है। और इससे पहले अगर आप लोगे 38 का अगर स्क्वायर लोगे तो ये फिर क्या होगा, ये हो गया 1444, यानी 1444, ठीक है। तो देखोगे अब ये 1500 से ये वाला बड़ा है, यानी 1500 देखा जाता है इन दोनों के बीच में है, तो प्लस करना है तो इस वाले को लेंगे, इस वाले को तो लेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हम कितना ऐड करेंगे, तो अब क्या करोगे, अब ये है ना ये 1521, तो 1521 में हम क्या करेंगे, 1500 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 21। तो आप बोल सकते हो कि इसमें अगर हम 21 अगर ऐड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 1521 हो जाएगा। तो 1521 कितने का स्क्वायर होता है, 39 का स्क्वायर होता है, तो यानी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा, आप क्या ऐड किए हो, 21। तो ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।